हमारे तो वजी आजम कहते थे कि जनाब क्या मैं भारत पे हमला कर दूं? कौन है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता है और कौन इसके लिए ग्राउंड बना रहा है? भारत हम सभी जानते हैं नाजीन की भारत पाकिस्तान में कभी भी अमन नहीं चाहता है बिल्कुल देखे भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा था कर रहा है करता रहेगा हम सारी अपनी खामियों की वजह भारत को करार नहीं दे सकते जो आज पाकिस्तान में हो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने सत्तर साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं जब सरमायाकारी का फुकदान है तरसीला कमी का सामना है डॉलर बेलगाम है रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है तो वजीर आजम साहब आप, आपके हर हर खिताब में मायूसी ही मायूसी बेबसी ही बेबसी और ना उम्मीदी ही ना उम्मीदी नजर आती है लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहि इस्लामी एटमी है, जिसके पास कुदरती वसाइल भी हैं जिसकी साठ फीसद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दिवाली के करीब है पाकिस्तान की हालत ये है कि दवाओं के जो बड़े बहरान है उसका खदशा है अद्वियात तक का और हुकूमत के पास सिफारत खानों को देने के लिए पैसे तक नहीं है और इस महीने तमाम सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें रोक ली गई हैं कमी के स्कीमें भी बंद कर दी गई हैं है। वाजह कर दूं अगर हमारे ऊपर जंग मुसलत की गई तो पाकिस्तान की अपने मादरे वतन के हर चप्पे के दिफा के लिए बल्कि दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और तो और अब आप ये देखें कि जो हमारे मुल्की हालात है वो यहां तक पहुंच गए हैं कि आपको कुछ लोग टी वी पर आकर बताते हुए दिखाई देंगे सुनाई देंगे के जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है डिफॉल्ट हो चुका है सिर्फ ऐलान होना बाकी है दो तो महीने से पाकिस्तान के जो फॉरन ऑफिस में एम्प्लाइज हैं, बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवाई हैं जो सफीर पाकिस्तान का झंडा लेके चलता है उर्दन के अंदर अमेरिका के अंदर बरतानिया के अंदर उनको तनख्वाहें नहीं मिली क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकते आपके कम अज कम बीस दिन से ट्रक जो है वो अदरक के और टमाटर के और प्याज के वो जो कंटेनर्स हैं वो बाहर खड़े हैं आप नहीं ला सके आप जो हैं इस वक्त कनोला ऑयल जो है वो आप नहीं इम्पोर्ट कर सकते आप, आप, आपका वो क्राइसिस बनने वाला है आप आज पोल्ट्री फीड्स वालों ने कहा है कि हमें पोल्ट्री फीड्स के लिए जो चीज़ें आनी थी वो इम्पोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है पाकिस्तानी जो है अट्ठतीस लाख मुर्गियां रोज की खाते हैं और साढ़े तीन करोड़ अंडे खाते हैं जब ये साढ़े तीन करोड़ अंडे नहीं मिलेंगे ये अट्ठतीस लाख मुर्गियां नहीं मिलेंगी तो फिर क्या घास खाएंगे ये लोग मसला सारा यह है कि अगले दस पंद्रह दिन इतने अहम हैं के जिसके अंदर पूरी के पूरी की अगर भी छोड़ के नहीं जाती तो और ज्यादा हो जाएगी ठीक है अच्छा ये जो दिवालिया के हवाले से खबरें सामने आ रही कि खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं दिवालिया की दलदल की जाने जा सकती है मैशत इतना सफर कर रही है तो इसमें आपको कितनी हकीकत दिखाई देती है आपका तजिया क्या कहता है और यह सब खुदा ना खास्ता वाकई डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं नहीं टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो चुके हैं डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट ये होता है कि हम पैसे देने के काबिल नहीं हैं हमारे साथ किसने कर लो या हमारे साथ कुछ तो थोड़ी सी बख्शिश कर दो थोड़ी सी अब पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट कर रहा है सर आस्था कर, कर दो अगले साल लेना ले 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 ले, दो साल बाद लेना डिफॉल्ट ले में ले यही होता है दिवालिया में ये तो नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो बेच के आप उसके हवाले करते हैं दुनिया में कहीं नहीं होता जो है इसीलिए दी जाती है इस मुल्क को किसी ना किस तौर पर इसको हम थोड़ा सा बेल आउट करते हैं दिवालिया में यानी जो तो एक, और... कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐलान बाकी है दिवालिया हो चुका है है सिर्फ ऐलान तो तो बाकी तो। है। तो। आप दिवालिया दिवालिया बनने के बाद जो तरले मिनते हो होती है वो तो आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर और क्या होता है सिर्फ आपने कहा नहीं यही तो उसने कहा है मिफ्ता ने भी कहा है बाकी लोगों ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पर आप दिवालिया हो चुके हुए हैं दिवालिया में बात क्या करते हैं

दर्द डिस्को दर्द डिस्को हकीकत यह है कि आपने समझना है कि आप जो हैं वो आपकी का हुआ हुआ बेड़ा गर्क और आज से नहीं बहुत पहले से हुआ हुआ बेड़ा गरक आपको बता साहब <नहीं> के दौर में भी बेड़ा साक था उससे पहले भी बेड़ा गक था उससे पहले भी बेड़ा गर्क था उससे पहले ठीक था उससे पहले मुशरफ साहब थे है ना तो मुशरफ साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त उम्मीद करता हूँ की सेहत ठीक ठाक हो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में लेकिन उम्मीद है कि ठीक ठाक वो प्रोग्राम देख रहे हो तो बात कुछ ऐसी है कि उनके दौर में मामला इसलिए ठीक रहे नाजरीन क्योंकि आपकी उस टाइम पे वेस्ट के साथ के साथ बनती थी और वो लोग आपको खुला नोटू देते थे वरना आपकी हालत हमेशा से ही खराब थी और आगे भी खराब रहनी थी ये इतफाकिया तौर पर यह हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ और उस पंगे के नतीजे में आपको धवा के मिले नोटू और आपकी मई हो गई ठीक आपने टगे का काम नहीं किया किस्मत ने आपका साथ दिया आपने टगे का काम नहीं किया यह आप अपने जहन में बिठा लें अब मामला कहां पहुंचे फिर मैंने कहा सोना खरीदो लोगों ने बोला अब पागल ये टीवी एंकर है या इन्वेस्टमेंट एंड गाइड है मैंने कहा मैं पहले बता रहा हूं देखो मैं पहले बता रहा हूं मेरा डिस्क्लेमर होता है जो भी बात करता हूं विदाउटिस एंड रिमेंबर द डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर इन्वेस्टमेंट इन एनी एवेन्यू इज सब्जेक्ट टू रिस्क अली नासिर बोले कोई और बोले बगैर तहकीक के कहीं पर भी सर नहीं लगा गोल्ड की कीमत पर लोगों को इतना फायदा हुआ लोगों को इतना मुनाफा हो रहा है आज की तारीख में बेचने वाला भी खुश है खरीदने वाला भी खुश है ये रियलिटी ऑफ द मैटर है आपके मुल्क के अंदर अगर डॉलर लेने के लिए जाओ डॉलर मिलता नहीं और अगर मिल भी जाए तो इतनी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जितनी लड़के की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जब उसकी शादी होने वाली होती है तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया सोना और पाकिस्तान में उन लोगों के होगा व्यारे न्यारे जिनके पास सोना था जिनके पास था उनके भी व्यारे न्यारे हो गए जो अब खपाना चाह रहे हैं कहीं से वो अब क्या करें यहां पर कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है और देखो बातें कैसी कर रहे हैं सोना ना खरीदो सोने पर जक़ात होती है यानी ये तो आपकी जहनीयत है यार जक़त देने से बचने वाली कौम ये कहीं जक़ात ना देनी पड़ जाए वो कल ये कहते हैं कि हम कामयाब होंगे हम इस्लामी जमहूर पाकिस्तान है नहीं मुझे बताओ मैंने किसी को कहा कि सोना खरीद लो कह रहा सोना कैसे खरीदे यार सोने पे तो ज़कात होती है ज़कात देनी पड़ेगी यानी जो कौम जक़ात से भागती हो फिर वो कहते हैं हम दुनिया में ख्वार क्यों होते फिर रहे अभी तो बेटा शुरुआत है तुम लोग जितनी ज्यादा ये करोगे ना क्या बोलते हैं अपनी सरकशी उतना ज्यादा भुगतोगे खैर नहीं बे मेरा कोई प्रोपोगेट करने का इरादा नहीं है भाई मैं तो सिर्फ उन बातों को दोहरा रहा हूं जो कि मैं प्रोग्रामों में कहता रहा हूं डॉलर भी बढ़ गया गोल्ड भी बढ़ गया सही गलत बात पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी आपके सामने मुझे शोबा तहकीक बता रही है कि डॉलर के अंदर सोना खरीदा गया है एम आई करेक्ट आठ अरब डॉलर का सोना खरीदा गया है पिछले तीन महीने में ये शोबा तहकीक हमारी बता रही है ठीक है तो जनाब यहां पर मैं वेलकम करूंगा आज के हमारे गेस्ट मार्केट आपकी इंडिया के एक अमीर आदमी से आधी है या उससे उस कम है तो आप क्या बात कर रहे हैं इसी वजह से ना कि जब आपकी इकोनॉमी का इतना छोटा साइज होगा इन्वेस्टमेंट टू तो जीडीपी नाइनटी फिफ्टी होगी आज 15 परसेंट की फिगर है और सेविंग्स टू तो जीडीपी यार बारह परसेंट होगी और उस सेविंग जो होती है वो आपकी बैंक्स में जाती है ना वहां से अगर गवर्नमेंट जो है एटी परसेंट बोरो करके ले जाए और अपना हुकूमत का कारोबार चलाएगी तो फिर आपके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे फिर यही होगा कि आप अपने स्टूडियो को अपग्रेड नहीं कर सकोगे लोगों की सैलरी नहीं दे सकोगे और अपनी कंपनीज जो है आपकी हर इम्पोर्ट होगा हर पे हर चीज पे इम्पेक्ट आता है कि सबसे बड़ा फॉल्ट यह है

फिर भी कितनी हो गई स्टिल यू आर मतलब मैं बता रहा हूं कि एज अज एज द कलेक्टिव वेल्थ स्टिल इट्स पीन द वर्ल्ड माने या ना माने बताता हूँ पाकिस्तान में जब प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी तो कभी भी आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे कि ज्यादा आप एक्सपोर्ट करो पाकिस्तान में कंजम्पशन नाइनटी परसेंट है यूएसए की एटी परसेंट कंजम्पन है हम जो बना रहे हैं हम वो खा रहे हैं आज जो कपड़े आप बना रहे हो गार्बे टेक्सटाइल वाला सेक्टर या फूड वाला सेक्टर वो हम पहले खा रहे हैं और खाने के बाद जो हमारा बचता है

मैंने देखा है और ममालिक टाइकोन अपने साइज को वन टेंथ दिखाते हैं उनकी आजी उनकी शोहरत की वजह होती है मार्क जुकरबर्ग एक रंग की बहुत सारी कमीजें ले लेता है एक मिसाल बता रहा बिल गेट्स अपने लिबास की वजह से नहीं जाना जाता जॉब जिसकी तस्वीरें ये बच्चे लगा लगा के अपने फेसबुक के ऊपर स्टीव जॉब बनने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ड्रेसिंग भी कोई ज्यादा हीरो वाली नहीं थी सीधी सीधी बात है ये इलोन मस्क जिसके बारे में हर आदमी आजकल गुफ्तु कर रहा है टेस्ला टेस्ला वो कौन से कोई बड़े बड़े अरबों डॉलर के सूट पहन रहा है सर जेफ बिजोज ने कौन से कोई लिबा आपका आदमी जो होता है उसके पास चार पैसे आते हैं और जेब में सिक्का आया अजय देवगन की तरह गर्दन तेड़ी